स्टार्ट। अरे दोस्तों, आज हम काम करेंगे कैनबॉक्स 2 की मदद से स्मार्ट की ऑन टेबल। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि ये डिवाइस इंडिया में बना हुआ है, वर्ल्ड का पहला टूल से जो ऑन बेंच आपको स्मार्ट की चेक करके बताएंगी। आज हम आपको कैनबॉक्स 2 से स्मार्ट की का प्रोसेस किस तरह होता है हम आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहला का इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन को हम क्लिक करेंगे। ये काम करने के लिए हमें चाबी को कोई पास में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गाड़ी के अंदर काम करता है, हम सेम उसी तरीके से ऑन बेंच इसका काम करेंगे। हम चाबी को पुश बटन से दूर रख रहे हैं। पुश बटन क्लिक करते ही हमारा स्टीयरिंग लॉक अनलॉक कंडीशन में हो चुका है। जैसे मीटर में दिखाया गया, सिक्योरिटी लाइट रुकी हुई है, मतलब हमारी चाबी परफेक्ट है। अब हम इसका सेकेंड बार इसको क्लिक करेंगे, पुश बटन को। पुश बटन क्लिक करते ही कंप्लीट मीटर ऑन हो चुका है। देखिए इस तरह, स्मार्ट की में ये प्रोसेस बहुत जरूरी है। और हमारा ECM कनेक्ट हो चुका है इसका मेन रिले, इससे हमें पता चलता है हमारा ECM ओके कंडीशन में है और ये स्मार्ट की है। और जैसे बताया गया कैनबॉक्स 2 के अंदर इग्निशन स्विच, स्मार्ट की के लिए हमें इग्निशन स्विच को ऑफ रखना है, ऑन नहीं करना है, जैसे हमने इसमें इग्निशन ऑफ रखा हुआ है। हम इसका सिस्टम ऑफ कर रहे हैं। आइए किस तरह होता है हम आपको स्टेप से बताएंगे। क्लिक करते ही पुश बटन में जो लाइट है वो चली गई। अब आपको स्मार्ट की रियल गाड़ी में रिमोट के ऊपर किस तरह गाड़ी लॉक होती है हम आपको ये बताएंगे। देखिए, हम इसका जैसे ही लॉक का बटन दबाएंगे, स्टीयरिंग लॉक लो कंडीशन में हो जाएगा, ये लॉक हो गया है। और इसका रिमोट परफेक्ट इस तरह वर्क हो रहा है, हम आपको मीटर पे दिखाएंगे, उसके इंडिकेटर पे। देखिए इंडिकेटर क्लिक हुआ है, ये अनलॉक। इसे कहते हैं रियल स्मार्ट की ऑन बेंच टेस्टिंग। अब हम आपको बताएंगे अगर गाड़ी में डुप्लीकेट की है तो क्या कंडीशन होंगी। अगर गाड़ी में डुप्लीकेट की है तो हम ये बटन क्लिक करते ही मीटर के अंदर क्या इंडिकेटर आएगा हम आपको वो डिटेल बताएंगे। देखिए सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक हो रही है और यहां दिखाया गया कि इज नॉट डिटेक्ट, कि इज नॉट डिटेक्ट। हम सेकेंड बार इसे क्लिक करेंगे, प्रेस स्टार्ट बटन विथ स्मार्ट की। हमें ओडोमीटर बता रहा है कि आपकी स्मार्ट की आपके पास नहीं है। अब हम आपको फिर से स्मार्ट की पास में लाके चेक करके बताएंगे। ये हमारी स्मार्ट की, सबसे पहला हम इसका अनलॉक करेंगे। अनलॉक का बटन हम क्लिक करेंगे जैसे आपको मीटर में इंडिकेटर दिखाएगा। ये की हमने यहाँ रख दी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें स्मार्ट की पुश बटन पे रखनी है। पुश बटन पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इससे दूर रख के भी काम कर सकते हैं।
पुश बटन क्लिक किया, स्टीयरिंग लॉक अनलॉक हो गया और यहाँ मीटर पे इंडिकेटर दिखा रहा है आपको सिक्योरिटी लाइट रुकी हुई। अब हम इसे सेकंड बार क्लिक करेंगे। सेकंड क्लिक करते ही कंप्लीट मीटर ऑन हो चुका है। कैन बॉक्स 2 की मदद से हमने ऑन बेंच स्मार्ट की कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।